नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं शैलेंद्र पांडे पर 51 लाख नगद दूंगा। जी हां दोस्तों, परंतु जो पहले से दिखेगा सिर्फ उसी को मिलेगा। जी हां दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। जी हां दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम जो सच्चाई बताने वाले हैं उन्हें आप झुठला नहीं सकते हैं, यहां 100% दावा करते हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखना है बस। और देखिए, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, चलिए आप सभी को बताते हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो नहीं, आप सभी के जीवन काल का वह सफलता का द्वार है, जहां पर आप जाएंगे तो कामयाबी, खुशखबरी, पैसा, प्यार, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, हर चीज आपको प्राप्त होने वाले हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, और सब कुछ पूरे होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके बारे में हर एक रहस्य खुलकर रख दूंगा। जी हां दोस्तों, और यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का कच्चा चिट्ठा है, पूरा हिसाब किताब है। ये दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में से किसी भी एक संख्या के क्रम को चुनना है और उसे अपने मन में याद रखते हुए वीडियो को पूरा देखना है। फिर आप देखोगे कि जो भी अंत संख्या आपने चुनी है उसके अनुसार मैं आपके बारे में जो भी बातें बता रहा हूं ये सच है कि नहीं है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या परेशानियां चल रही हैं और आप भविष्य में सफलता कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, बाकी आप कब अमीर बनेंगे। ये दोस्तों, अमीर बनना हर इंसान का सपना होता है, तो याद रखना इस संसार का सबसे बड़ा श्राप गरीबी है। जी हां दोस्तों, ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन सत्य है कि गरीब इंसान की इस संसार में कोई पूछ नहीं है, उसे कोई इज्जत नहीं देता है, और अमीर इंसान की हर जगह की इज्जत होती है। वह अपना जीवन तमाम ऐसो आराम के साथ जीता है। इसी वजह से हर इंसान का सपना होता है कि वह है एक ना एक दिन करोड़पति बने। अमीर तो आपको अपनी अंक संख्या याद रखनी है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कब अमीर बनेंगे और कितना पैसा आप कमा पाएंगे, तो वीडियो में बनी रहे। हमारे साथ वीडियो का एक भाग आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रयासों के बाद इस तरह की जानकारियां इकट्ठी की जाती है, फिर उन्हें वीडियो के रूप में आपके लिए पेश किया जाता है। बदले में बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी को अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाएं और कामयाब बनाएं। यदि आप इतना कर पाते हैं तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमारी मेहनत वसूल हुई। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे बस इतना सा निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां शेरों वाली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि जिनके साथ है माता शेरों वाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस संसार में कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो आपको अपने जीवन में कर्म को तो प्रधान रखना ही होगा। जी हां दोस्तों, को याद रखिए कि सब कुछ कर्मों का खेल है, जो आपने किया वह आपके पास वापस आएगा, इसीलिए हमें अपने कर्मों का विशेष ख्याल भी रखना चाहिए। ना सिर्फ कर्म करने हैं, बल्कि अच्छे कर्म करने हैं। ये दोस्तों, की पूरी कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बिल्कुल बेकार है, और यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य अपने आप ही सुंदर हो जाता है। हो सकता है कि जो हमें आज कष्ट लग रहा है वह हमारे कल के बहुत ही सुंदर भविष्य की नींव रख रहा हो। जी हां दोस्तों, तो हंसते हुए ईश्वर को याद करते हुए इन कष्टों को प्रेम के साथ रहते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, और फिर आप देखेंगे कि एक नया सवेरा निकलेगा, एक खूबसूरत सुबह होगी और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और इस तरह की बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि आप इसी तरह का जीवन जीते हैं। आप कर्म को बहुत प्रधान पहले से ही मानते हैं, आप कर्म करने में ही विश्वास करते हैं,
इसी वजह से आपने बहुत कम उम्र से ही कर्म करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि यह विचार करना शुरू कर दिया था कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है, यानी दूसरों से अलग आपकी बुद्धि हमेशा चलती है, आप दूसरों से अलग विचार रखते हैं, जहां दूसरे हर वक्त मस्ती मजाक के बारे में सोचती रहती हैं, आनंद के बारे में सोचते रहते हैं, आप इन सब के साथ साथ अपनी जीवन के बारे में भी बड़ी ही गंभीरता से विचार करते हैं और बहुत ही गंभीरता से कर्म करते हैं। लेकिन यह बात अलग है कि आपको अब तक अपने मेहनत का, अपने कर्मों का सही हिसाब किताब मिल नहीं पाया है, या यूं कहें कि आपकी मेहनत अभी तक सफल हो नहीं पाई है जैसे परिणामों की आपने उम्मीद की थी। वैसे ही परिणाम, वैसे नतीजे अभी तक आपको मिल नहीं पाए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। आपको मनचाही चीजें मिलने जा रही हैं, जो कुछ भी आपने सोचा था वह सब आपको मिलने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ग्रहों की चाल कितनी सुंदर है कि अब आपके जीवन में बड़े ही सकारात्मक बदलाव होंगे। आपको बस कुछ ख्याल रखने होंगे, कुछ गलतियां हैं जिन्हें नहीं दोहराना होगा और बहुत ही सदाचारी और सकारात्मक जीवन जीना होगा। जैसा कि हम अपनी पिछली ज्योतिष कार्यक्रम में भी बता चुके हैं कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा चल रही है और दूध भी आपके ऊपर बहुत अच्छी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कहा कि मजबूत है, आपके लिए पक्ष में है, तो आपको शनिदेव का लिहाज रखते हुए अपने घर में बहुत ही पवित्र रखने हैं, अच्छे रखने हैं, क्योंकि शनिदेव को इस प्रयोग में कर्म का देवता कहा जाता है। यदि आपने कहीं से भी लिस्ट मात्र भी थोड़ा सा भी पाप कर्म अपने जीवन में जोड़ दिया तो आपको उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बिना उसका हिसाब दिए आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह शनिदेव का विषय स्वभाव है, तो हम आपको बस यही सलाह देना चाहेंगे कि आप बुरे कर्मों से दूर हैं, माता पिता का सम्मान करें और महिलाओं का भी सम्मान करें, और किसी भी कमजोर को भूले से भी, गलती से भी सताए ना सबकी मदद करने की कोशिश करें। जितनी आपकी क्षमता है उतनी मदद करें, बस इन सब कर्मों से शनिदेव का दिल जीत लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहना है, यानी गंदी आदतों से दूर रहना है, इन सब से आप शनिदेव का दिल जीत लेंगे। फिर देखेंगे कि आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे तो बदलाव आएंगे भी, बड़े ही अद्भुत होंगे। लोग चौंक जाएंगे आपको देखकर कि यह इंसान इतनी दूर, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। जी हां प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए, आप हमारी बातों का, हम यह सब बातें ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं। गहरी सोच, विचार और अध्ययन के बाद हम इन सब बातों को आपसे कह रहे हैं। अब आ जाते हैं अपनी ज्योतिष कार्यक्रम टॉपिक पर। तो यदि आप चुना है 333, आपको बता दें कि तीन नाला बासान तक दिखाएं। तीन ऊर्जा का सबसे निम्न स्तर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है पूरे नियंत्रण में है। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आपने 333 की संख्या चुनी हुई है तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में सब कुछ आपके नियंत्रण में रहता है, आपकी आदतें भी आपके नियंत्रण में रहती हैं, आप जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, किसी के बहकावे में बड़े आराम से नहीं आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को आपको बहलाने और कुछ लाने के लिए आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, लेकिन आप जल्दी से बैठते नहीं हैं, जो आपकी विशेष आदत है कि आप दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं। लोग आपकी इज्जत इस वजह से करते हैं कि आप दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं, जैसे आप सम्मान देते हैं बद्री में वैसे ही आपको भी सम्मान मिलता है, लेकिन आपकी सोच थोड़ी सी दूसरों से अलग होती है, जिस वजह से कभी कभी आपकी दूसरों से बहस भी हो जाती है, लेकिन आप ही स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं और बहस को झगड़े का रूप नहीं लेने देते हैं, या तो आप खुद ही स्थिति को भांप कर वहां से हट जाते हैं, यह शांत हो जाते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खूबी है प्यारे दोस्तों। पढ़ाई लिखाई में अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं, ना तो आप पढ़ाई में बहुत कमजोर है और ना ही आप बहुत ही होशियार हैं, लेकिन जितनी भी पढ़ाई लिखाई आपकी है वह आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। प्यारे दोस्तों, हम खास बात आपको यह बता दें कि वैसे तो आप अमीर बनना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप धंधे व्यापार से थोड़ा सा डरते हैं, मन में आपको थोड़ा सा भय रहता है। किसी भी व्यापार को करने से पहले आप हजार बार सोचते हैं और ज्यादातर आप इन विचारों को आगे चल के स्थगित कर देते हैं,
यानी त्याग देते हैं और नौकरी की तरह आपका रुझान अधिक रहता है। जिन लोगों ने अंक संख्या 333 को चुना है अक्सर नौकरी करते हैं, व्यापार कम करते हैं। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि ऐसे लोग व्यापार करते भी हैं तो व्यापार में यह अक्सर संघर्ष ही करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर झूठ बोलना हरीम करना है। इसी को ठगना, ये किसी को बेवकूफ बनाने का गुण नहीं होता है। ऐसे लोग हर बात को सच्चे और अच्छे तरीके से पेश करते हैं, जिस वजह से यह व्यापार में चोट खाते रहते हैं, व्यापार में लड़कियों को अपना नहीं पाते हैं। इस वजह से लगभग 25 से 30 साल की उम्र में हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी थोड़ा सा जल्दी भी हो जाती है, यानी 20 से लेकर 25 साल की उम्र में भी शादी हो जाती है। लेकिन यह सब कम होता है, अधिकतर इनकी शादी 26, 27 और 28 की उम्र में होती है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करेंगे ऐसे लोग करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो बड़े ही दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के करोड़पति बनने की संभावना है, यदि समय से देखा जाए तो केवल 10 या 15% ही होती है। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि भाग्य बहुत ज्यादा ही जोर मार जाए और आकस्मिक कोई बड़ा लाभ मिल जाए, लॉटरी बगैर अजीत ना कहीं भी एक कला है जो साधारण जीवन को भी बड़ी अद्भुत तरीके से जीना जानता है। जी हां प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अंकित संख्या 666 पूछने वालों की। तो प्यारे दोस्तों, अंक शास्त्र में अंक संख्या 6 को मध्यम ऊर्जा का स्तर माना गया है या नहीं? यह संतुलन का स्तर है। इंसान ने इस अंक संख्या को चुना है, वह इंसान बहुत ही संतुलित रहता है, लेकिन कहा जाए तो बहुत ही कंफ्यूज रहता है। जी हां प्यारे दोस्तों, संतुलित यदि नहीं रह पाएगा तो कंफ्यूज रहेगा। ऐसा इंसान कभी भी अपने निर्णय अपने दम पर स्वतंत्र होकर नहीं ले पाता है। जी हां प्यारे दोस्तों, इन लोगों के निर्णय दूसरे लोग ही दिया करते हैं और कभी कभी इनके निर्णय इन पर बहुत भारी भी पड़ जाते हैं। जैसे कि यदि इन्हें इंजीनियर बनना है तो लोग इनके लिए कल डिसाइड करेंगे, तो ये डॉक्टर बनने की तैयारी करने लगेंगे, और यदि ये इंजीनियर बनने की तैयारी करने लगे, इनके घर वालों ने, इनके किसी और रिश्तेदार ने जोर दिया और उन्होंने वही लाइन पकड़ ली, बाद में इस बात का गलत लाइन में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही इनके साथ अक्सर होता है। यह तो बड़ी बात हो गई, लेकिन छोटे छोटे मामलों में भी इनके साथ ऐसा ही होता है। यानी कपड़े खरीदने जाएंगे तो यदि मन में सोच कर निकले थे कि सफेद रंग की शर्ट खरीदी कर आ जाती है, गुलाबी रंग की शर्ट या काली रंग की शर्ट, और बाद में खुद ही अपने आप से पूछ लिया कर लेते हैं। इनका अपना खुद का डिसीजन लेने की पावर बहुत कम होती है। तो प्यारे दोस्तों, इनके स्वभाव का विशेष गुण कंफ्यूजन होता है या नहीं? ये हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेने में बड़े ही भ्रमित से रहते हैं, क्योंकि उसे लोग यही सोचते रहते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा, इसका विपरीत रूप भी देखा गया है कि 6 अंक संकलन का अंक है। यदि ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि को जगा लेते हैं या फिर किसी प्रकार से मां सरस्वती की कृपा इनके ऊपर हो जाए और यह अपनी बुद्धि को जगा ले, तो ऐसे लोग कमाल के संकलन कार्य होते हैं या नहीं? किसी भी पूरी से पूरी स्थिति को बड़े आराम से संभाल लेते हैं, और दूसरों को खुश रखना, सबको खुश रखना इनकी विशेष खूबी मानी जाती है। जी हां प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग कहीं नौकरी करते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी पदोन्नति प्राप्त करते हैं और मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मैनेजर ही बनते हैं। और यदि ऐसे लोग व्यापार करने के बारे में सोचें तो यह लोग कमाल के व्यापारी भी बन जाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर संतुलन का, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से व्यापार को भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से संभाल लेते हैं। जहां जितनी जरूरत होती है वहां उतनी ही एक्टिविटी को दिखाते हैं, उतनी ही बोलते हैं, उतनी ही बात करते हैं, और अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। लूंगा विशेष गुड़िया होता है कि दूसरों से कैसे अपना काम निकालना है, इन्हें अच्छी तरह से पता रहता है। ये दूसरों को बिना दुख पहुंचाए अपना काम निकाल लेते हैं। यही कि कमाल की खूबी है। समाज में इन लोगों को बहुत इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत कम उम्र से ही पैसा कमाने लगते हैं और रुपए पैसे को लिखकर उनके मन में गजब का आकर्षण होता है। यानी कि यह बचपन से ही लखपति करोड़पति बनने का सपना देखने, लेकिन
पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन का ध्यान हमेशा इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। एकाग्र चित्त ना होने की वजह से पढ़ाई लिखाई में इनका भविष्य सुंदर नहीं होता है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लोगों का भविष्य बहुत सुंदर होता है। और यदि ऐसे लोगों का देखा जाए करोड़पति बनने का मौका, तो ऐसे लोग 100 में से यदि जोड़ा जाए तो 70-75% मौका है कि ऐसे लोग करोड़पति बन जाते हैं। और विवाह की बात की जाए तो ऐसे लोगों का विवाह 25 से 30 साल की उम्र में लगभग हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है समाज के दबाव में आकर यह किसी और बात के कारण इनका विवाह बहुत छोटी सी उम्र में ही हो जाता है, यानी 17 से 20 साल के बीच में इनका विवाह हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत ही कम बनती है। तो दोस्त, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई जा रही है बातें कुछ हद तक सच लग रही होगी। हो सकता है कि सारी बातें आपके ऊपर फिट ना बैठे, क्योंकि एक ही राशि के हजारों लोग होते हैं और सबके गुण धर्म अलग अलग होती हैं, सब ठीक कर्म और स्वभाव भी अलग अलग होती हैं। तो उसी के अनुसार कुछ बातें हो सकता है कि आपके ऊपर फिट ना बैठे हैं। फिर भी हम इस बात की गारंटी देते हैं कि लगभग 90% मेरी द्वारा बताई गई बातें आपके ऊपर फिट बैठ रही होगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करती है उन लोगों की जिन्होंने संख्या में ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर माना गया है। ऐसे लोग बड़ी ही कमाल के ऊर्जावान होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हिला देगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। यदि ऐसे लोग अपने मन में किसी बात को ठान लें तो यह पूरी दृढ़ता से उसे करने में लग जाते हैं। फिर यह दुनिया की किसी की कोई बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और ऐसे लोग अपना हर एक फैसला खुद ही लेते हैं। इन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई दूसरा इनके कोई भी फैसले ले। यहां तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपनी शादी का फैसला भी ऐसे लोग खुद ही लेते हैं, कि घर वालों की रजामंदी और घर वालों को थोड़ा बहुत अपने विवाह में शामिल कर लेते हैं। और यदि घर वाले विरोध करें तभी यह अपने मन से ही अपनी शादी करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये तो था ऊर्जा का सर्वोत्तम स्तर। इस वजह से इनके स्वभाव ऐसे विस्फोटक होते हैं, उनके फैसले भी बड़ी खतरनाक होते हैं। ये लोग ऐसी ऐसी बातें सोचती है जो सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। ये भी लोग हैं जो हिमालय पर्वत पर चढ़ने तक का दम रखते हैं और बड़े से बड़े उद्योग धंधे और व्यापार करने की भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों, इन लोगों के अंदर केवल शाही अच्छाई है। इन लोगों के अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, और सबसे बड़ी बुराई इनकी जो है वह है इनका जिद्दी नेचर। इस वजह से लोग इन्हें घमंडी भी समझते हैं और कुछ लोग इन्हें सनकी भी मान बैठते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, रिश्ते नातों की बात की जाए तो ऐसे लोग रिश्ते नातों की ज्यादा परवाह करती नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह दूसरों को खुश नहीं रखते हैं। जिन लोगों से यह प्रेम करते हैं उन्हें खुश रखते हैं। इन लोगों की खूबी यही है कि जिन लोगों को यह पसंद नहीं करते उन लोगों से कभी अपना रिश्ता रखते ही नहीं है, यानी कि ताला मटोली का या दिखावेबाजी की। इनके जीवन में कोई जगह नहीं है जिससे प्रेम करते हैं, उसे बहुत अधिक प्रेम देते हैं, और जिसे यह पसंद नहीं करते हैं उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर देते हैं। और प्यारे दोस्तों, एक विशेष को भी इनके अंदर यह है, ऐसे लोग अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा देखा गया है ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होते हैं, सारे सब्जेक्ट में नहीं लेकिन किसी एक विषय पर इन लोगों की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जैसे कि विज्ञान से यह गणित में या फिर अंग्रेजी में या किसी और विशेष, उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये इसी विषय को आगे लेकर अपने जीवन यापन का जरिया भी बना लेते हैं, जैसे कि कोई कोचिंग वगैरह खोल देते हैं या फिर कोई और ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे लोग बहुत जरूरी प्रवृत्ति के होते हैं तो बड़ी बड़ी उच्च पदों पर भी ऐसे लोग आसानी से काबिज हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन मेहनत करने का जज्बा बहुत अधिक होता है। लेकिन अपने जिद्दी और हाथी सुबह होने के कारण ऐसे लोग व्यापार में कई बार बहुत बुरी तरह से चोट भी खा जाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, दूसरों से सलाह लेना, यह दूसरों का इनके मामलों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सही लगता है वही करते हैं। तो इस स्थिति में कभी कभी तो यह बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं,
लेकिन ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर ढोंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये ईश्वर को भाव से पूछते हैं, सच्चे मन से पूछते हैं, लेकिन दिखावेबाजी से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा ही इनका जीवन भी चलता है। ऐसे लोग हमेशा सच्चा जीवन जीते हैं। इनके पास जो है, जितना है, बस उतना ही दिखाते हैं। उससे ना 1% ज्यादा और ना 1% का लेन देन के मामले में भी देखा जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही कड़क होता है। किसी को किसी भी प्रकार से कुछ लेन देन करते नहीं हैं, और यदि कर लेते हैं तो उसे याद रखते हैं, और यदि कोई इनके साथ धोखेबाजी करे उसे यह जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अमीर बनने के बारे में, करोड़पति बनने के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, नंबर 9 ऐसा अंग है जिसे यदि किसी ने चुना है तो उस इंसान का करोड़पति बनने का मौका बहुत अधिक होता है। प्यारे दोस्तों, अब समझिए कि व्यापार करने के लिए क्या चाहिए। व्यापार करने के लिए चाहिए एक जुनून, व्यापार में ऊंचा उठने के लिए चाहिए एक जज्बा। एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े डिस्प्ले पाना और ऊंची सोच रखते हुए सबसे अलग क्रांतिकारी कार्य करना, ऐसे कार्य सामान इंसान के बस की बात नहीं होती है, और यह गुण इन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे लोगों का अधिक मौका होता है। बसंती की अपने जीवन में और गलत रास्तों पर ना जाएं। यदि ईश्वर और यह सही मार्ग पर चलते रहें और अपने मन में ठान ले व्यापार करना है, बिजनेस करना है, बहुत ऊंचाई तक जाती है। ये बात सही है कि कई बार इन्हें व्यापार में बड़ी छोटे में लगती हैं और यह बिल्कुल जमीन पर गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा अपने जुनून के कारण उठ खड़े होते हैं और दोबारा से इतिहास रच डालते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, अंक 9 चलने वाले भी लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी बनते हैं, रतन टाटा बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें कुछ हद तक सच लगे होंगे। हम भी आपसे कह चुके हैं, इस संसार में लोग अपने अपने कर्मों और अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से जीवन जीते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों पर यह बातें पूर्ण रूप से 100% पीठ ना बैठे हैं, लेकिन फिर भी 90% बातें मेरी द्वारा बताई गई आपके ऊपर फिट बैठेगी ही। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होगी। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, 11 साल लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां शेरोवाली अवश्य लिखें कि जिनके साथ है माता शेरोवाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।